नमस्कार सभी, मैं आरती आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। पितामह पद्मजी जी द्वारा बताए गए आनापानासति ध्यान को निरंतर करके आज लाखों लोगों ने अपना जीवन परिवर्तित किया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं मास्टर नितिन जी, ये राजस्थान से हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं इनकी ध्यान यात्रा के बारे में। वेलकम नितिन जी। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग हाँ सर, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। जी। तो मेरा नाम नितिन खिवानी है और मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और लगभग 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ। और बेसिकली आई एम ए बैंकर। अभी एट प्रेजेंट आई एम नॉट डूइंग जॉब, आई हैव रिजाइंड रिसेंटली एंड आई एम एक्टिवली इन ध्यान प्रचार। सुनाओ सर, आप हमें ये बताइए कि आप बचपन से आध्यात्म से कैसे जुड़े हुए हैं? पूजा पाठ करते थे या किसी ईश्वर तत्व के प्रति आपका रुझान था, इंक्लिनेशन था, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो मैम, मेरा मतलब बैकग्राउंड जो है शुरुआत से जो बचपन से अभी तक का रहा है उसमें मतलब मेरे फादर और मदर, उनका बड़ा योगदान रहा है। तो मेरे जो फादर हैं वो शुरुआत से ही मतलब गॉड के बिलीवर, मतलब वैष्णो देवी माता है के बारे में आपने सुना होगा, उनके बिलीवर रहे हैं। और 16-17 साल की उम्र से वो मतलब उनका उधर इतना ज़्यादा रुझान था कि वो हर साल जो है वैष्णो देवी माता के यहाँ बस ले जाते थे, जिसमें वो हजारों लोगों को हर साल दर्शन करवाने के लिए वहाँ लेके जाते थे। और साथ ही साथ उन्होंने एक मंडली की भी स्थापना करी थी जिसमें जागरण वगैरह माता के वो करा करते थे। तो बैकग्राउंड वैसा ही रहा है, वही हम सब लोग देखते थे, तो वैसा ही हमारा बिलीव सिस्टम और उसी हिसाब से हमारा कल्चर, घर का एनवायरनमेंट वैसा ही रहा। तो हम भी उसी चीज के अंदर काफी सालों तक मैं मतलब उसी में इन्वॉल्व रहा और उनके साथ में हर साल वैष्णो देवी जाना। तो मतलब 23 साल तक लगातार मैं वैष्णो देवी गया हूँ, वाह, तो जब से पैदा हुआ, जब से वो ले जाया करते थे मेरे को, और जब तक मैंने कोई जॉब नहीं पकड़ी तो जब तक वो मेरे को ले जाया करते थे। तो जब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी तो जरूर जाया करते थे। और जागरण भंडारा सेवा का भाव भी जो है वो मेरे मदर फादर के थ्रू ही मिला, क्योंकि यहाँ पर एक बीकानेर में एक खूब बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो वैष्णो देवी माता का ही रेप्लिका है बेसिकली। जो ओल्ड एज लोग हैं, किसी कारण से वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते हैं, तो उसी की रेप्लिका मेरे फादर ने यहाँ पर बीकानेर राजस्थान में स्थापित किया है। तो उनको एक ड्रीम आया था जिसके अंदर उनको जो है वैष्णो देवी माता खुद आकर के उनको बोला कि ऐसा आपको एक प्रोजेक्ट है जो आपको बनाना है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मैं कैसे पूरा करूंगा, ना मेरे पास कोई पैसे हैं क्या है। तो उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कहा ये मेरी है, तुम तो बस उस संकल्प के साथ आगे बढ़ो और मेहनत करो, उसको पूरा करवाना नहीं करवाना वो मेरा मेरे ऊपर है। तो ये मतलब मेरा बैकग्राउंड रहा है जहाँ पर मेरे को अपने सारे संस्कार अपने माता पिता से मिले हैं, चाहे वो सेवा का भाव हो, चाहे वो धार्मिक बैकग्राउंड रहा हो, स्पिरिचुअलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारा वहीं से डेवलप हुआ है। तो आप बचपन से ही आध्यात्म से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इट्स वेरी डीप। तो सर, आप ध्यान से कैसे जुड़े? ये तो हमारा धार्मिक पहलू हो गया, फिर आप आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी ध्यान से कैसे जुड़े? जी, तो मैं वैसे मतलब इंट्रोवर्ट ही रहा शुरुआत से, मतलब कम बोलता था, स्कूल कॉलेजेस में भी बहुत चुपचाप ही रहा शुरुआत से। एक एक साल ऐसा होता था कि मैं चुप ही रहता था, मौन साधना वहीं से शुरू हो गई थी। और उस चीज को लेकर के स्कूल वाले मेरे को अवार्ड भी दे देते थे कि ये बच्चा पूरा 1 साल चुप रहा तो ऐसी मेरी मतलब जर्नी रही है। और फिर 2008-10 में जब मैं कॉलेज कर रहा था ग्रेजुएशन, तो मेरा एक फ्रेंड था पीयूष संगारी, तो उनके फादर क्या है योग सिखाया करते थे। तो थोड़ा सा इम्यूनिटी वगैरह शुरुआत से वीक रहती थी, तो मेरे को लगा कि मेरे को योग क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैं उनके पास जब योग सीखने के लिए गया तो फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला कि जो वहाँ के जो मास्टर हैं, जिनका नाम इंद्रजीत संगारी है, तो वो ओशो से दीक्षा लिए हुए हैं जिस समय ओशो जीवित थे। तो
तो जब ओशो राजस्थान के अंदर शिविर करने आए थे तब उनसे उन्होंने वहां पर दीक्षा ली थी, उन्होंने और उनकी वाइफ ने। तो उनसे जब मैं जुड़ा तो उन्होंने मेरे को ध्यान से इंट्रोड्यूस कराया। तो संडे संडे के दिन वो ध्यान करवाया करते थे, जिसमें ओशो के खूब सारे मेडिटेशन टाइप्स हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग एक्टिव मेडिटेशन के अंदर डायनेमिक मेडिटेशन और जिब्रिस मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो वो हम लोग 21 दिन का जो एक तरीके का शिविर लगता था वहाँ पर, वो हम लोग अटेंड किया करते थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन वो 1-1.5 साल ही मतलब मैं कंटिन्यू रह पाया, तो उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो डेफिनेटली ध्यान को इंट्रोड्यूस करवाना के लिए जो श्रेय जाता है वो इंद्रजीत संगारी जो मेरे गुरु जी हैं उन्हीं को जाता है, वो ही मेरे को ध्यान के अंदर लेके आए थे। फिर आप आनापानासति ध्यान से कैसे जुड़े? बिल्कुल, तो 2008 के बाद में सीधा मैं जुड़ा उनके साथ में 2020 के अंदर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा इस दौरान, बीच में मैंने कोई मेडिटेशन वगैरह नहीं किया। मैं आध्यात्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता में कह सकते हैं कि नहीं था, धार्मिक बैकग्राउंड ही उस दौरान 2008 से 20 तक के बीच में धार्मिक ही रहा। तो 2020 में कोरोना का जब समय चल रहा था तो उनका फोन आया मेरे पास में कि अभी जो है हम लोग आनापान सती ध्यान कर रहे हैं। तो मैंने कोई ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सुना नहीं था कि आनापान सती ध्यान क्या होता है। तो उन्होंने जब मेरे को बताया तो फिर उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह भेजे, तो मेरे को थोड़ा ठीक लगा, लेकिन मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैं जो PMC का यूथ विंग है पायमा, तो मैं उन लोगों के साथ में कनेक्ट हुआ और उनके साथ में जुड़ करके जूम पे उनकी क्लासेस हुआ करती थी। तो उनके यूथ विंग के साथ में काफ़ी इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया मेरा। तो 5-6 महीने मैंने उनके साथ जुड़ करके ध्यान किया। तो फिर वो इंद्रजीत संगारी जो मेरे गुरु जी, उनका फ़ोन आया कि फर्स्ट प्रायोरिटी तुमको बीकानेर को देनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारा शहर है, तो यहाँ पर भी हमें ध्यान का प्रचार करना है, तो तुम जुड़ो हमारे साथ में। तो फिर हमारी भी बीकानेर की हमारी जूम की क्लासेस स्टार्ट हो गई। और फिर जैसे जैसे कोरोना जब खत्म हुआ 1-1.5 साल के बाद में, तो फिर हम फिजिकली सेंटर पे जाकर भी ध्यान करने लगे। तो ओवरऑल मतलब उस समय जब ओशो से परिचित हुए तब भी वही थे, और जब पत्री सर से परिचित हुए तब भी वही थे। तो इंद्रजीत संगारी जी ही थे जो मेरे को ध्यान में लेके आए, चाहे वो ओशो के मूवमेंट के साथ में, चाहे वो पत्री सर के मूवमेंट के साथ में। तो वही मेरे को आनापानसती ध्यान के साथ इंट्रोड्यूस करवाए थे जी। सर हमें चेंजेस बताइए, आपके अंदर क्या चेंजेस आया थ्रू मेडिटेशन? क्या परिवर्तन देखते हैं अपने आप में, आप ध्यान से पहले वाले नितिन में और ध्यान के बाद वाले नितिन? बिल्कुल, तो ध्यान से पहले वाला नितिन, जैसे मैंने आपको झलकियां बताई कि मैं चुपचाप रहता था, एक्सप्रेसिव नहीं था इतना ना। तो अभी मैं क्या है कि काफ़ी एक्सप्रेसिव हूँ, बोल पाता हूँ अच्छे से, कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही है। खासकर जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो मैं घंटों घंटों बात कर सकता हूँ, और उसके लिए मेरे को ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, कुछ प्लान नहीं करना पड़ता, वो इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है। तो चाहे वो विजडम की भी बात हो, तो मैं अगर कोई बुक भी नहीं पढ़ता हूँ तो ज्ञान भी जो है वो अंदर से अपने आप नेचुरली आता है, जहाँ पर भी कुछ बोलना होता है। तो डेफिनेटली चेंजेस बहुत सारे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, एक्सप्रेसिव हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी मेरे को रहा करती थी जब मैं ध्यान में नहीं आया था उससे पहले, लेकिन अभी वो एंजाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, थोड़ा मोटा हाँ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो चुके हैं। काफ़ी सारी कुछ ऐसी हैबिट्स थी जो सालों से थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं घर से निकलता था तो गैस चूल्हा हमेशा अक्सर चेक करता था, और एक जैसे हैबिट थी कि घर का जो लॉक लगाने के बाद में मैं कहीं दूर चला जाता था, फिर वापस आकर के उस चीज को चेक करता था। OCD बोल सकते हैं शायद उसको, फियर तो या काइंड हाँ ऑफ फियर या OCD या जो भी कुछ बोल सकते हैं साइकोलॉजी के टर्म में। तो वो हैबिट मतलब कब अपने आप सालों की थी, वो 20-22 साल से वो आदत थी, लेकिन वो ध्यान करते करते कब गायब हो गई कुछ पता भी नहीं चला। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, कुछ पास्ट लाइफ मैंने अपनी 3 पास्ट लाइफ ध्यान के थ्रू देखी हैं, पर वो सब फैंसी चीज़ है ना, हमारे जो मास्टर पहले जो मास्टर रहे हैं ना वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि चाहे पत्री सर भी थे, वो भी कहते थे इसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, सब फैंसी चीज़ है ना, ध्यान में हमारी जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए साधना के ऊपर होनी चाहिए, और प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं ना वो मैटर करती है। आपको पास्ट लाइफ दिख रही है, आप एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं,
आपकी थर्ड आई ओपन होगी। अगर आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं हुए ना, तो वो सब व्यर्थ है बेसिकली। तो साधना में जितना ज्यादा हो सके हम ध्यान दें, और इन फैंसी चीजों के बजाय हम ज्यादा से ज्यादा साधना करें, ध्यान प्रचार करें, हम सेवा करें, तो वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम ये सब चीजें करें। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने सर, हमारा जी फोकस हमेशा टॉप गोल के ऊपर होना चाहिए, एनलाइटनमेंट एंड जी आत्मज्ञान जो सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो अल्टीमेट जो एम जो हमारा है कि हमको ब्लिस को, जो प्राप्ति हमको करनी है, जो हमारा नेचुरल गुण है हमारा बेसिकली, जिसको हम कभी ना कभी समाज के अंदर इतने संस्कारों से दबते दबते वो लेयर्स हमारे ऊपर जमती रहती हैं, तो हम ड्यूएलिटी के अंदर आ जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि वो और हम, परमात्मा और हम सब एक ही हैं। तो जब वो मिसकंसेप्शन जब हमारा, जब हम ध्यान के अंदर आ जाते हैं, जब हमारी अज्ञानता जब वो दूर हो जाती है, तब हमें डेफिनेटली हमें वो पता लग जाता है कि वो और हम एक ही हैं, और जो हमारा ब्लिस का जो स्टेट है वो नेचुरल हमारा स्टेट है, और उसे हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। स्टेट तक रीच करना ही हमारा जी अल्टीमेट एम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यस मैम, डेफिनेटली। सर जैसे आपने बताया इतने सारे चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में है, कोई ऐसा अनुभव जो आपने सोचा भी ना हो और ऐसा हो गया हो ध्यान के द्वारा या उससे जुड़ने के बाद आप महसूस करते हैं इससे यही हुआ? मैम, ये सब चीजें एक तरीके से एक्सपीरियंस, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि ये लाइफ में चेंजेस हुए हैं। बाकी जो एक्सपीरियंस होते हैं वो मन के स्तर पर रहते हैं, चाहे हम जैसे कोई अपनी पास्ट लाइफ देख रहे हैं, तो वो एक मोमेंट है, ठीक है, उसको आपने लिख के रख लिया, अब उसको आप ले करके नहीं रख सकते कि हाँ ठीक है ये अब मैंने वो देखी है, वो खुश हो रहे हैं, आप उस चीज को लेके एंजॉय कर रहे हैं सालों साल, तो हम उस चीज के अंदर नहीं रह सकते। लेकिन जो आपके लाइफ में चेंजेस आ गए वो हमारे परमानेंट रहने वाले, तो मेरे लिए तो वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि परमानेंट क्या है। परमानेंट ये है कि जो चीजें मैं मेरी लाइफ में 20-22 साल से थी, चाहे वो ओसीडी थी, चाहे मेरा पर्सनालिटी का जो लेवल था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, एक्सप्रेसिव हो गया मैं, स्ट्रेस एंजाइटी वो सब चीज चली गई, यही अपने आप में एक चमत्कार है। और मैं इतने इजीली ध्यान का प्रचार कर पाता हूँ, विजडम दे पाता हूँ लोगों को, जितना मेरे को आता है उतना मैं बता पाता हूँ, ये अपने आप में ध्यान का चमत्कार ही है। डेफिनेटली सर, आपने पिरामिड्स का यूज किया है, यस मैम, आप उसमें उसके थ्रू कोई आप बेनिफिट्स आपको लगता है कि पिरामिड्स का यूज करने से हमें ज्यादा बेनिफिट होता है उसके बारे में हमें बताइए। जी, बिल्कुल। तो इस मूवमेंट के साथ जुड़ने के साथ में ही हमें पिरामिड ध्यान के बारे में भी पता लगा कि आनापानसती ध्यान के अंदर हम पिरामिड का यूज करते हैं, और हमारे पास में एक्चुअली में पिरामिड था 2008 से। तो ये पिरामिड जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बीकानेर के अंदर ही है, इसका नाम मैत्र पिरामिड है, और ये जो नाम है मैत्रेय पिरामिड, हम लोगों ने ये बात पत्रिसर तक पहुंचाई थी, हम चाहते थे कि इसका नामकरण जो है पत्रिसर करे, लेकिन समहाउ जब हमने ये बात पहुंचाई अलग अलग मास्टर के थ्रू, क्योंकि हमारी जान पहचान थी कुछ मास्टर से, तो उनके थ्रू जब ये बात हमने पहुंचाई तो उस समय पत्रिसर की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप खुद से ही रख लीजिए। तो हमने सोचा कि ठीक है खुद से ही रख लेते हैं। तो हमें हमारे मेरे जो एक स्पिरिचुअल काउंसलर, एक टीचर हैं जो मुंबई से हैं, सीमा मैम नाम है, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि मैत्रेय रख सकते हो आप, तो मेरे गुरुजी को भी अच्छा नाम रखा क्योंकि ओशो ने भी इस शब्द को बहुत यूज किया है, और पत्ते सर ने भी इस शब्द का काफी यूज किया है, और बुद्धा से जुड़ा हुआ ये शब्द है, तो और हम लोग ये मेडिटेशन जो कर रहे हैं ये गौतम बुद्धा से ही आया है 2500 साल पहले। तो डेफिनेटली ये नाम रखना अपने आप में एक बहुत अच्छा एहसास था हमको जो दे रहा था, और फिर हमको ये नाम अच्छा लगा, हमने इसका नाम फिर मैत्र पिरामिड रख दिया। कुछ समय बाद पत्री सर का मैसेज आया समहाउ, जिन मास्टर के थ्रू हमने मैसेज कन्वे किया था कि अब इस सेंटर का नाम ओसो पिरामिड रख लीजिए, क्योंकि उनको पता था कि जो मास्टर है यहाँ के वो ओसो से दीक्षा लिए हुए हैं, उन तक ये बात पहुँचा दी गई थी, लेकिन हमने फिर कहा कि अब हमने मैत्रेय नाम रख लिया है, हाँ तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि अब नाम चेंज करना सही नहीं रहेगा, तो हम लोगों ने इसका नाम मैत्रेय ही रख लिया। और उसी पिरामिड का हमारा एक्सपीरियंस है कि डेफिनेटली उसके अंदर एक एनर्जी का एक अलग ही फील्ड है, और जो भी उस पिरामिड के अंदर जो ध्यान करता है उसको बहुत अच्छा महसूस होता है, काफ़ी एनर्जी उसको महसूस होती है, और जो भी उसके छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन, वो डेफिनेटली उसके अंदर पिरामिड जो है उसकी हेल्प करता है। और कुछ मास्टर ऐसे हैं जिनको
एस्ट्रल ट्रेवल और ऐसे एक्सपीरियंस भी इस पिरामिड सेंटर के अंदर हुए हैं। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा भी, और जो वहाँ पर ध्यान कर रहे हैं उनका भी, सबका पिरामिड के साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे आपने बताया सर ध्यान प्रचार आप करते हैं, तो इसके बारे में हमें और बताइए, कब से आप ध्यान प्रचार करना शुरू किए और आप इससे जुड़ा आपका क्या अनुभव? लगभग अब 1 साल हो गया है मेरे को ध्यान प्रचार करते हुए, और ये सब इंस्पिरेशन क्योंकि जो भी पिरामिड मास्टर है उन सबका एक कह सकते हैं कॉमन गोल है या कॉमन विजन है कि ध्यान प्रचार करना। हर एक मास्टर ये कर रहा है और सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और उसी प्रकार से मैं भी इस जर्नी में 1 साल से हूँ, और गुरु जी जो हमारे इंद्रजीत संगारी जी हैं उन्होंने काफी इंस्पायर किया है मेरे को इस चीज के लिए। वो हमेशा मेरे को आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करते थे कि जा आगे जा करके लोगों को बता ध्यान के बारे में। तो वो इंस्पिरेशन उन्होंने ही मेरे को दी, और कहीं ना कहीं उनके धीरे धीरे वो प्रयास करने से, जब मैं धीरे धीरे बोलता गया लोगों को ध्यान के बारे में बताता गया, तो कब धीरे धीरे वो 1 साल बीत गया और कब मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि आज मैं खुद से ही स्कूल कॉलेजेस पार्क्स इवन ट्रेन्स जहाँ भी मौका मेरे को मिलता है, तो वो जो मेरे डर हैं मैं उनको कॉन्कर करते करते अभी मैं इतना आगे हूँ कि मेरे को लगता है कि ध्यान का प्रचार बहुत ईजी हो गया है। और एक विजन लेकर के मैं जो चल रहा हूँ कि मेरे को ये मैंने खुद से ही सोचा था कि मेरे को ये करना है ध्यान प्रचार के अंदर, तो मेरा विजन है कि मैं 1 लाख लोगों को अपने सामने बैठा करके लाइव ध्यान करवाऊंगा, ये मेरा ही विजन है। और करीबन 10 करोड़ लोगों को मैं ध्यान करवाऊंगा, क्या बात ये है मैंने सर, खुद से ही एक ड्रीम विजन मैंने लिया है अपने लिए, एक टारगेट समझ सकते हैं वो मैंने लिया है, और डेफिनेटली यूनिवर्स उसमें मेरे को हेल्प करता है और वो करेगा, और ये मैं जरूर से पूरा करूंगा। बहुत बढ़िया सर, आपका विजन है तो डेफिनेटली पूरा हो गई, जो हम जी सोचते जी हैं थैंक यूनिवर्स यू हमारी मदद करता है पूरा करने में। तो जी। सर जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में कि आपने अपनी जॉब को अभी छोड़ दिया है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? जॉब मैं अभी जैसे एट प्रेजेंट तो अभी कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, ये जॉब मैंने अभी कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले ही छोड़ी है। मैं कोटक महिंद्रा बैंक में था असिस्टेंट मैनेजर ब्रांच बैंकिंग के रोल पे, नॉन कैश मेरा रोल रहता था, लेकिन जो बहुत अच्छी थी उस नो डाउट की उसमें कोई प्रॉब्लम थी मेरे को, और वहां से कुछ मेरे को जो लेसन लेना था वो भी मैं ले रहा था, और मैंने डेफिनेटली वहां पर जो लेसन लेना था वो लिया भी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में एक वो रहता था कि ना टाइम जो है ना बैंकिंग का बहुत ज्यादा रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8-9 बजे ना, और फिर उसके बाद में खुद की ध्यान साधना नहीं हो पा रही है, और ध्यान में जो हम सेवा करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से बहुत परेशान कर रही थी कि मैं वो नहीं कर पा रहा, तो बस मेन यही रीजन था। और कुछ स्पिरिचुअल काउंसलिंग मेरे को कुछ कोर्सेज वगैरह भी जो है करने थे, काशी में मेरी एक वर्कशॉप थी, तो वो भी था कि मेरे को एक विजडम लेना है और एक स्टेप आगे बढ़ना है मेरे को, कहीं ना कहीं ध्यान जो मैं करा रहा था सिखा रहा था तो उसके साथ में विजडम वाला पार्ट में अभी थोड़ा सा मिस कर रहा था कि मेरे को लग रहा था कि ये पार्ट जरूरी है, तो उसी चीज के लिए मैं काशी गया था और वहां से काफी कुछ सीख के आया हूँ, तो अभी वही चीज में है जो आगे अगर ध्यान करवाने भी जाता हूँ तो वहां पर एक एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ में मैं काफी ज्ञान वगैरह भी उनको अभी जहाँ भी जाता हूँ सिखाने के लिए तो वो दे पाता हूँ, तो वो एक एड ऑन पॉइंट है मेरे लिए। और काफी सारी चीजें जो है मैंने सीखी है वो मैं खुद से सीख रहा हूँ, उसकी प्रोग्रेस कर रहा हूँ उसके अंदर, और उनको लागू करने की कोशिश कर रहा हूँ खुद के ऊपर भी, और फिर मैं उसको आगे जब मेरा वो एक्सपीरियंस बन जाएगा, विजडम बन जाएगा, तो मैं दूसरे लोगों को भी उस चीज के बारे में बताना शुरू करूंगा। तो सर आपका आगे कोई कंटिन्यू करने का मन नहीं है सर, एनी नहीं सोर्स अभी ऑफ तो इनकम? हाँ नहीं मैम, लाइफ में स्पिरिचुअलिटी हमको ये सिखाती है कि हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो मैं अभी पूरा अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ जहाँ पर मैं पूर्णतया एकदम स्पिरिचुअल होकर के और पूरी तरीके से 100% इसी के अंदर इन्वॉल्व हूँ। और पत्री सर भी ये कहते थे कि लाइफ का हर एक एस्पेक्ट, इवन ओशो जी चाहे जितने भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर मॉडर्न मास्टर हुए हैं वो सब यही कहते हैं लाइफ का हर एक एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली फाइनेंस तो इम्पोर्टेंट है, चाहे स्पिरिचुअल सेवा में हो, तो अब ये नेट चल रहा है, अब हमको कहीं पर सेवा के लिए जाना है
तो ट्रेन की टिकट तो लगती है, होटल का पैसा लगता है, तो सब चीज लगती है। तो हमें तो उसके प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि वो जो फिनेंस होता है वो हमें स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करता है। और डेफिनेटली फिनेंस के साथ में एक कॉन्फिडेंस एक अलग ही होता है, तो वो एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अभी कुछ ऐसी जॉब को सर्च कर रहा हूँ जहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा लिमिटेड हो, वहाँ पर कम टाइम हो, सो दैट कि मेरी खुद की ध्यान साधना और अच्छे से हो पाए, और मैं जो ध्यान का जो मेरा सेवा का जो भाव है वो उसमें मैं और ज्यादा और अच्छे से अपना टाइम दे पाऊँ, डिवोट कर पाऊँ टाइम को। तो वो एक सर्चिंग अभी चल रही है, मे भी देखते हैं, यूनिवर्स जरूर उसके अंदर हेल्प करेगा। सभी तो होगा ही कुछ, आप बोल रहे हो तो ठीक मिलेगा ही। और हम सभी ऐसा ही सोचते हैं, ध्यान तो भी उतना ही कर पाए, सेवा भी दे पाए, काम भी कर पाए जो जरूरी है। बहुत बढ़िया है। जी, यस यस जी। और बताइए सर, हमें अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, ग्रुप मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस, म्यूजिक मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस। हाँ, म्यूजिक का तो जैसे मूवमेंट के अंदर हमारे जो PSSM का जो मूवमेंट चल रहा है उसके अंदर पिरामिड का, म्यूजिक का, ग्रुप का, प्रकृति में जो हम ध्यान करते हैं उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और हर एक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो कभी कभी जैसा होता है कि हम लोग कोई बिगनर्स होता है तो डेफिनेटली उसको म्यूजिक के साथ में ध्यान कराया जाता है, उसके लिए इजी हो जाता है ध्यान के अंदर प्रवेश करने के लिए। और यही अगर कोई बिगनर हो और उसको यूं बैठा दिया जाए कि आप ध्यान करो, आंखें बंद करो, मे भी उसके लिए इतना ज्यादा इजी नहीं हो पाएगा। तो म्यूजिक का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है, और पत्री सर की फ्लूट हो गई या जो भी हमारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, तो उनका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है मेडिटेशन के अंदर। तो सबको म्यूजिक के साथ में ध्यान करना चाहिए। पिरामिड का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जिक्र किया, तो पिरामिड के साथ में भी अगर हम ध्यान करते हैं तो 3 गुना पावरफुल है जैसा हमें बताया गया है, और ये हम महसूस भी कर सकते हैं, ये कहने की बात नहीं है, ये हम सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस से। हमने सारे पिरामिड मास्टर ने इनको एक्सपीरियंस किया है तभी हम ये बात बोल पाते हैं। तो डेफिनेटली हर एक बंदा पिरामिड के साथ में, म्यूजिक के साथ में, ग्रुप के साथ में, प्रकृति के साथ में ध्यान करे, साकार को अपनाए, तो ये सब चीजें बहुत सहायक हो सकती है हमें इस जर्नी में, अपनी जो आध्यात्मिक जर्नी, हमारी जो इनर जर्नी है उसके हम जो अंदर जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें हमें बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ जो बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए बोला जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा बुक्स अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है, कुछ एक ही बुक्स मैंने पढ़ी है, लेकिन जब से मैं काशी से लौट के आया हूँ तो मैं डेफिनेटली अभी मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। तो अभी मैं वेदांत के ऊपर बेसिकली थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ, तो वो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। और जब मैं काशी गया था तो एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी जब सर, मैं काशी गया था तो उससे पहले जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर है वो मेरे को कहते थे कि आप कबीर के बारे में पढ़ो, कबीर के बारे में पढ़ो। तो मैं बस 2 4 दिन पढ़ता था, फिर नहीं पढ़ता था, तो डिसिप्लिन थोड़ा सा कम था। जो फैक्ट बात है वो मैं बोलूंगा, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो डिसिप्लिन नहीं था पढ़ने को लेकर के बुक्स वगैरह। तो फिर जैसे ही काशी गया तो वहाँ पर, क्योंकि काशी हमारी इंडिया की ओल्डेस्ट सिटी में से एक है, और वहाँ पर खूब सारे जो हमारे पुराने जो ऋषि मुनि हैं या हमारे जो मॉडर्न डे स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो सब वहाँ पर जरूर होके आए हैं, उनके आश्रम से। तो वहाँ पर मेरे को एक आश्रम, कबीर का आश्रम मिला, और वहाँ पर मेरे को जाने का मौका मिला। तो डेफिनेटली जो मेरा जो कनेक्शन था, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर कह रहे थे कि कबीर को पढ़ो पढ़ो, तो वहाँ वहाँ जा करके पूरा हो गया। तो वहाँ की जो एनर्जी और वाइब्रेशन थी वो एक अलग ही थी, और वहाँ पर जाकर के हमने काफी देर ध्यान भी किया। हमारे साथ लगभग 30 जने थे वहाँ पर उस वर्कशॉप में, तो हम लोगों ने सबने ग्रुप के अंदर म्यूजिक के साथ में ध्यान किया। वहाँ पर एक जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कबीर बानी के ऊपर बोल रहे थे, तो हम लोगों ने वो भी सुना। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइडी मास्य का आश्रम भी है वहाँ पर, हम लोगों को वहाँ जाने का मौका मिला। साथ में कृष्ण मूर्ति जी का आश्रम है, वहाँ हमको जाने का मौका मिला। साथ में शंकराचार्य जी का वहाँ पर एक आश्रम है, वहाँ पर जाने का मौका मिला। तो मैं शंकराचार्य जी से पता नहीं वहाँ जाकर के बहुत कनेक्ट हो गए। तो मैं किसी पर्टिकुलर दिन ध्यान कर रहा था तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं इस धरती पे जब आया हूँ तो मैंने देखा कि पास्ट लाइफ में मैं इस धरती पर था, तभी मैं आज वापस उस जगह पे लौट के आया हूँ, और मैं शंकराचार्य के समय में ही कोई उनका एक शिष्य रहा हूँ। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस जो वहाँ पर मेरे को महसूस हुआ।
डेफिनेटली उस धरती से मेरा कोई ना कोई जुड़ाव था, तभी मैं वहाँ पर वापिस वहाँ पर उस विजडम को लेने के लिए पहुँचा था। तो अभी मेरा ये है कि जब से वहाँ से लौट के आया हूँ तो अभी मेरे को बुक्स पढ़ने का मन करता है और मैं अभी बुक्स बहुत पढ़ भी रहा बढ़िया हूँ। सर। सबसे बड़ी बात ये है। तो अभी मैं वेदांत के बारे में पढ़ रहा हूँ। अब वहां से गए तो आपको फील हुआ कि यस यू हैव बीन देयर थ्रू मेडिटेशन। हाँ बहुत बढ़िया सर। डेफिनेटली मास्टर के जरिए कुछ ना कुछ मेरे को जरूर वहां पर कुछ मिलना होगा। जो विजडम वाला पार्ट जो मैं मिस कर रहा था, चाहे मैं डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा था या बुक्स नहीं पढ़ पा रहा था, तो वहां से आने के कनेक्टिविटी बाद हाँ तो वो मेरे लाइफ में जरूर थोड़ा सा भी आ गया है। सर, जैसे आपने बताया पत्री सर से आप मिला हूँ मैं उनसे, मिला हूँ। तो वही सर, आपने जैसे पत्री सर के बारे में इतना कुछ बताया, तो क्या आप उनसे कभी मिले हैं? हाँ मेरा एक मौका ऐसा हुआ है कि मैं बताता हूँ आपको कि 2021 के आसपास का समय, मेरे को एग्जैक्ट डेट और मंथ याद नहीं आ रहा, तो दिल्ली के अंदर प्रोग्राम था सत्य साई ऑडिटोरियम के अंदर, तो वहाँ पत्री सर आने वाले थे। उससे पहले वो लेह लद्दाख जाके आए थे और उसके बाद में उनको दिल्ली आना था। तो उस समय मैं आशा गुप्ता मैम जो हमारे दिल्ली के मास्टर हैं उनसे संपर्क में था, तो मैंने उनको फोन किया कि मैं आ रहा हूँ और मेरे को मिलना है उनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ हम मिलेंगे। मतलब पत्री सर से मिलने का तो पता नहीं कि होगा नहीं होगा, आशा मैम से मिलने का प्लान था और उनसे मिलने का यूं मन में था। तो 2 दिन का प्रोग्राम था, तो फर्स्ट डे जब गया तो पता लगा कि आशा मैम की तबीयत खराब हो गई, तो वहाँ नहीं पहुंचे सत्य साई ऑडिटोरियम में। लेकिन वहाँ और भी काफी सारे मास्टर थे, पीएमसी के जो इंचार्ज हैं आलेख्या मैम, मूल्य मैम, और भी बहुत सारे मास्टर थे, एस रंजन सर, अभी नाम याद नहीं आ रहे। तो बहुत सारे मास्टर थे, तो जाहिर सी बात है कि मैंने उनको जस्ट टीवी में ही देखा था। तो पहले दिन जब मिला तो थोड़ी हिचकिचाहट भी थी कि कैसे मिलूं कैसे बात करूं, वो मेरा थोड़ा नेचर भी वैसा ही था कि मैं थोड़ा सा इजीली अभी नहीं घुस इन्वॉल्व हो पा रहा था उनके साथ में, थोड़ा मन में हिचकिचाहट थी। शायद वो खुद के अंदर ही थी, उनके अंदर तो नहीं थी, मेरे अंदर ही थी। तो पहले दिन नहीं मिले, तो फिर दूसरे दिन मैंने फोन लगाया आशा मैम को कि मैम आप आए नहीं पहले दिन, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरी जो है तबीयत सही नहीं थी इस वजह से मैं नहीं आ पाई। तो फिर मैंने मैम को कहा कि मैम आप मिले नहीं और आज मेरी टिकट है तो मैं जा रहा हूँ वापिस से बीकानेर। तो उन्होंने कहा अभी क्यों जाते हो, अभी तुम रुको, तुम आज हो सकता है कि तुम मेरे से मिल लो। मैंने कहा ठीक है। तो उनके ये कहने पे मैं रुक गया, मैंने जो अपना जो प्रोग्राम है वो 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो मैंने मैम को मैसेज ड्रॉप किया, तो उन्होंने कहा कि आप इस लोकेशन पे इतने बजे आ जाइए। ठीक है, तो मैं उस लोकेशन पे, क्योंकि मैं कोई दिल्ली कोई आना जाना नहीं होता था, वो मैं ट्रैवल वगैरह सारा कुछ एक्सपीरियंस लेता हुआ, वहाँ से सब कुछ सीखता हुआ जहाँ उन्होंने मेरे को बताया वहाँ मैं पहुँच गया। तो मैं जैसे ही ऊपर फ्लोर पे जब गया तो मेरे को पता चला कि वहाँ पत्री सर आए हुए हैं। तो ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था, वो जो सामने मेरे बैठे थे उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, वो फिजिकली सबसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन उनके छत्र छाया में हम लोगों ने सबने ध्यान किया और लगभग 20-25 जो हमारे पीएमसी के जो सीनियर मास्टर है सभी वहीं पर बैठे थे। तो उन सबकी गाइडेंस में मैं पत्री सर की गाइडेंस में मैंने वहाँ पर एक आंगन के अंदर बैठ करके हम सभी मास्टर्स ने वहाँ पर ध्यान किया। तो वो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था उस समय, ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही दुनिया में मैं जाके चला गया था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अभी फिर उसके बाद में एस रंजन, आशा गुप्ता मैम, नलिनी कमल मैम और काफी सारे जो सीनियर मास्टर हैं अलेख्या मैम, मूल्य मैम, सबसे वहां पर मिला और उनसे परिचित भी हुआ, तो बातचीत भी हुई उनसे। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद में अगले दिन भी मेरा जाने का था, फिर आशा मैम ने कहा कि कहाँ जाते हो, रुको रुको यहाँ पर एक पिरामिड का इंटीग्रेशन है वो भी देख के जाओ। तो फिर मैंने कहा कि अब तो सोने पे सुहागा हो गया है कि चलो पिरामिड का इंप्रेशन वो भी पत्री सर के साथ में देखने का मौका मिलेगा। तो दिल्ली के अंदर एक स्वतंत्र पिरामिड है नजफ्फरगढ़ में, जो उस समय ही बना था 2021 के आसपास, और तो वहां पर जाने का मौका मिला। तो वहां पर पत्री सर ने उसका इनोग्रेशन किया और उन्होंने काफी, उनकी तबीयत उस समय खराब थी तो उन्होंने काफी कुछ थोड़ा मोटा बोला, तो वो भी उनके जरिए सुनने को मिला।
तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और वहाँ से काफी सारे मास्टर, दिल्ली के मास्टर कनेक्ट हो गए जिनसे अभी भी मैं जुड़ा हूँ। खासकर नलिनी मैम है जो, जिनके साथ में काफी अच्छा जुड़ाव है, लगाव है, तो काफी कंसर्न रहता है उनका जब भी कुछ बीकानेर में इवेंट होता है। लास्ट ईयर वो आए थे बीकानेर के अंदर, और उन्होंने ही पीएमसी चैनल पे हमारा इंटरव्यू, जो हमारे इंद्रजीत संगारी जी है, पिरामिड के ऊपर जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाया था पीएमसी के थ्रू। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी मास्टर के साथ में जुड़ना हो रहा है। और एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर मैं जैसे गया था मैरिज के अंदर, बठिंडा के अंदर, तो मेरा कहाँ गए ये, थे सर? बठिंडा, बठिंडा हाँ जी, तो मेरा ये रहता है कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं सर्च करता हूँ आसपास कोई पिरामिड सेंटर है कि नहीं है। तो मैं जब बठिंडा गया तो मैंने कहा कि यहाँ पर कोई पिरामिड सेंटर है के साथ ही तो चलो होगी, वो पार्ट हो गया, ठीक है, वो भी एंजॉय करना है, वो एंजॉय कर लिया और वो सब कुछ हो गया, अभी देखते हैं कोई पिरामिड सेंटर। तो मैंने देखा वहां पर कोई पिरामिड सेंटर नहीं था, तो नलिनी मैम से संपर्क में रहता हूँ मैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि बठिंडा में ये मास्टर है, इनसे जाकर के मिलो, ये तुम्हारा सेशन वहां पर कंडक्ट करेंगे। अब मैंने शहर से बाहर कभी कोई सेशन नहीं लिया था, मैं थोड़ा सा नर्वस भी था, तो लेकिन नलिनी मैम ने कहा जाओ तुम आराम से मस्त से होकर के जाओ और वहाँ सेशन लो। तो वहां पर मैं गया और देखा, उन मास्टर से मिला, तो उन मास्टर के वहाँ पर करीबन 20-25 जने थे, तो वहाँ पर मेरे को एक ध्यान का सत्र लेने का मौका मिला, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा लोगों का और काफी अच्छा लगा लोगों को, तो वो हुआ। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि मम्मी पापा को कहा कि आप लोग चले जाइए, मैं देखता हूँ यहाँ आसपास नियरेस्ट 100, 200, 300 किलोमीटर के रेंज में और कौन कौन से पिरामिड सेंटर में, वहां पर भी जाके आऊंगा। मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मैं बाद में आऊंगा, तो वो लोग चले गए। लेकिन मैं फिर उसके बाद में हिसार गया, वहाँ पर एक पिरामिड सेंटर है, निरंकार पिरामिड, वहाँ पर वीना रानी मैम है, तो वहाँ पर मेरे को जाने का मौका मिला, तो वहाँ उनके साथ में मैंने एक दिन रहा। तो उनको मैंने जैसे, क्योंकि हम लोग फिजिकली ध्यान प्रचार ज्यादा कर रहे थे, ऑनलाइन हमारा थोड़ा फोकस कम था और लोग भी कम इंटरेस्ट ले रहे थे, तो वो मैंने उनको कहा कि आप लोग जो है ऑनलाइन ऑनलाइन को प्रचार कर रहे हैं, अभी टाइम आ गया है, समय आ गया, कोरोना चला गया, अब लोगों को ऑफलाइन ध्यान प्रचार कर रही है, तो वो नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं जब वहां से आया तो उनका भी ऑफलाइन प्रचार वहां पर शुरू हो गया। शुरू हो गया। हाँ, वाओ, मेरे को लगा कि ये शायद मेरे जरिए यूनिवर्स चाहता था कि ये मैसेज मैं पहुंचाऊं, और ऑफलाइन प्रचार उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में मेरे को एक मेरी सोल फैमिली मिल गई वहां पर, तो मेरी एक सिस्टर बन गई वहां पर, और एक छोटा उनका भाई है, वो भी मेरा एक सोल ब्रदर की तरह बन गया, जिससे अक्सर काफी क्यूरियस रहता है वो स्पिरिचुअलिटी को लेके, और उसके बहुत क्वेश्चन रहते हैं, तो उसी बहाने मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उसके जब क्वेश्चन होते हैं तो उसको मैं भी सर्च करता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, मेरे लिए एक लर्निंग का एक वो हो जाता है। तो उनके साथ मैं जुड़ा, फिर वहाँ पर पीएमसी सैटेलाइट चैनल का भी लॉन्च का प्रोग्राम होने वाला था, तो मैं एक दिन वहाँ और रुक गया, तो वहाँ दीप्ति में हम राम राजू सर और भी आए हुए थे, राम सर भी आए हुए थे, तो ओवरऑल उनके साथ में भी एक दिन टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। तो ओवरऑल मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ध्यान प्रचार अभी और अच्छे से चल रहा है, बस एक जॉब इस प्रकार से कुछ आ जाए तो उसके साथ में और टाइम खुद की साधना के लिए और ध्यान प्रचार के लिए और अच्छे से मिल पाए, यही मेरी कोशिश है। और जो सभी पिरामिड मास्टर का एक कॉमन पर्पज है कि ध्यान प्रचार करना है, वो ही मेरा एक कॉमन पर्पज है, जो लाइफ का पर्पज मैं लेके चल रहा हूँ कि ध्यान का प्रचार हो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो हम लोग रीच करें, और जो मैंने विजन लिया है अपना 1 लाख लोगों को लाइव सिखाने का और 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, डेफिनेटली यूनिवर्स उसमें जरूर से हेल्प करेगी और मैं जरूर से उसमें सक्सीड होऊंगा। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस सुन के। ट्रैवलिंग एंड इम्प्रॉम्प्टू मेडिटेशन सेशंस, बहुत बढ़िया सर। जी एंड थैंक यू, आप करने के लिए रेडी भी थे उस टाइम पे, बहुत बड़ी बात है कि हाँ भाई इंस्टेंटली बोले तो चलो सेशन ले लेते हैं। जी, बहुत अच्छा सर, आपने जैसे ये ध्यान महाचक्रम इस तरह के कोई ग्रैंड इवेंट्स अटेंड किए हैं जहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में ग्रुप मेडिटेशन होती है, जिस पर सर करवाते थे महिला ध्यान महाचक्रम नहीं पड़ताल नहीं में या मैम, बैंगलोर में? नहीं मैम, मेरा ऐसे कोई प्रोग्राम में जाने का नहीं मिला मौका मेरे को, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जैसे दिल्ली गया था, तो उस समय सत्य साई ऑडिटोरियम के अंदर 2 दिन का प्रोग्राम था, तो इस प्रकार से मैं अलग अलग लोकेशन पे ट्रेवल वगैरह करता रहता हूँ, या पीएमसी का कोई प्रोग्राम होता है, जैसे अभी पीएमसी सैटेलाइट चैनल लॉन्च का प्रोग्राम था,
तो उसमें मैं दिल्ली गया था, तो उसमें काफी सारे ऑल ओवर इंडिया से मास्टर आए थे, तो उनसे मिलना हुआ। तो इस प्रकार से पीएमसी ऑफिस में भी मैं काफी बार गया हूँ, तो इस प्रकार से मतलब मास्टर से मैं कनेक्ट होता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, उनके एक्सपीरियंस सुनता हूँ, उनसे सीखता हूँ। तो वो मेरी जर्नी है और यही मेरा मतलब एक मकसद होता है कि साल में एक या दो बारी अलग अलग लोकेशन पर जा करके मैं अलग अलग मास्टर से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ और उनसे सीखता हूँ और अपने एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। बस ये चल रहा है बहुत बढ़िया सर। जी। तो आपका पर्पस क्या है सर अभी, बस यही है मैम, ध्यान करना और करना। कि ध्यान करो और करवाओ। बिल्कुल सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, बिल्कुल। बस यही मैं कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके स्वयं की साधना को समय दें, और स्वयं की साधना के साथ में थोड़ा थोड़ा आप जो है ध्यान सिखाना भी शुरू करें। बहुत ही मतलब खुशी मिलती है इस चीज के अंदर, है ना, एक अलग ही आनंद होता है इस चीज को करने के लिए। और पत्रे सर और जितने भी हमारे सारे मास्टर हैं सब यही कहते हैं कि ये जो ध्यान की जो सेवा है ये सबसे उच्चतम सेवा है। तो क्या पता आपकी सेवा के माध्यम से किसी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाए, क्या पता वो व्यक्ति लाखों लोगों को आगे जा करके, करोड़ों लोगों को जा करके आगे ध्यान करा दे, क्या पता कोई एक और पत्री सर हमारे सामने हमारी इस यात्रा के माध्यम से, हमारे माध्यम से कोई निकल के आ जाए। ऐसे लाखों मास्टर हैं जो निकल के आ सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो है अपना इंडिविजुअल रोल प्ले करे, ग्रुप के अंदर रोल प्ले करे, और हमारी जो ग्रुप कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाने का रोल प्ले करे, और हम सब जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, ध्यान का प्रचार करें। और बस यही मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जुड़े हो। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जी आपका ये बिल्कुल मैसेज बहुत अच्छा लगा मेरे को कि क्या पता जिन लोगों को हम ध्यान सिखा रहे हैं उनमें से कोई एक पत्री जी बन के बाहर आए हमारे माध्यम से। तो जी जी बहुत अच्छा लगा मेरे को ये मैसेज सर। थैंक जी जी यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड।